नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के NH-52 राजनगर मधुबनी मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में पलटी टेम्पो सड़क से नीचे खेत में जा गिरा। आपको बताते चले कि यह सड़क दुर्घटना उस वक्त हुई जब टेम्पो मधुबनी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहा था, अनियंत्रित होकर पलटी मार गया। वहीं चालक ने बताया कि सामने से तेज रफ्तार बस आ रही थी, जिसे बचाने को लेकर ऑटो चालक सड़क से किनारे करने को लेकर ऑटो पलटी मार दिया। ऑटो में 5 लोग सवार थे, जो सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक सहित ऑटो में सवार 2 अन्य सवार घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में 1 लोग के हाथ में तो दूसरे लोग के पांव में गंभीर चोट लगने की वजह से दोनों घायलों को मधुबनी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। वहीं ऑटो चालक को राजनगर CHC में प्राथमिक इलाज करवाया जा रहा है। टेम्पो राजनगर सिमरी गोठ गांव से मुंडन करने के लिए कपलेश्वर मंदिर सवारी लेकर गए हुए थे। वापस आने के क्रम में NH-52 सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में घायल उपेंद्र गरेरी उम्र 33 वर्षीय, जो सिमरी जठी गांव निवासी के रूप में पहचान बताई जा रही है। इस घटना की सूचना राजनगर थाने को दी गई, जिसके बाद थाना ऑटो चालक को इलाज करवा कर थाने ले आए। वहीं संबंध में राजनगर थाना प्रभारी अरविंद कुमार का कहना है कि इस घटना में कोई घायल व्यक्ति अगर चालक के खिलाफ आवेदन देता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।